हेलो एवरीवन, मेरा नाम एक्स है। तो आज मैं आपके लिए फिर से एक अमेजिंग ट्यूटोरियल लेकर के आया हूँ। फोटोशॉप का वीडियो का प्रोमो देख करके आप समझ ही गए होंगे कि किस बेस पे ट्यूटोरियल है। तो आपको सिंपली ये जो फाइल दिख रही है ग्रेसोल फोटो इफेक्ट, इसको अपने सॉफ्टवेयर में इसको ओपन कर लेना है। और जैसे ही इसको आप ओपन करेंगे तो मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ और ये हमारा फाइल जो है ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे लिख करके आ रहा है ग्रेसोल, तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके का दिख रहा है। और यहाँ लेयरिंग में हम चले जाते हैं तो यहाँ पे दिख रहा है रिप्लेस योर फोटो। और यहाँ जब इसको ओपन करेंगे यहाँ पे लिख के यहाँ पे जो थंबनेल है इस पर आपको डबल क्लिक करना है। जैसे डबल क्लिक आप करेंगे उसके बाद यहाँ पे जो टेक्स्ट वाली लेयर है इसको आपको डिलीट कर देना है और बैकग्राउंड इसको टच नहीं करना है। और यहाँ पे आप अपनी इमेज को इंपोर्ट कर लेंगे, कोई से भी इमेज इंपोर्ट कर लेंगे। मैं ये वाली इमेज इंपोर्ट कर ले रहा हूँ और इसको यहाँ पे प्लेस कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये होने के बाद मैं यहाँ पे डन कर दूँगा। ये डन होने के बाद मैं चला जाता हूँ फाइल में, यहाँ पे सेव का ऑप्शन दिख रहा है और इसको मैं सिंपली सेव कर ले रहा हूँ। सेव जैसे ही करेंगे, मैं इसको सेव कर लेता हूँ, उसके बाद मैं इसको कट कर दूँगा। कट करने के बाद मैं अब ये जो पहली वाली फाइल है हम इसमें आ जाएंगे डायरेक्टली। और यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह का इफेक्ट जो यहाँ पे दिख रहा है आपको। और यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे बैकग्राउंड का ऑप्शन दिख रहा है, तो बैकग्राउंड यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। तो मैं इस पर डबल क्लिक कर लेता हूँ तो यहाँ पे कलर पिकर आ रहा है, तो यहाँ पे कलर हम पिक कर लेंगे अपने बैकग्राउंड के लिए। तो यहाँ से मैं ये वाली थोड़ी सी येलो वाली है, मैं ऑरेंज है हल्का, तो लाइट बार ये लाइट वाली कलर में चूज कर लेता हूँ। ये परफेक्ट है। तो मैं इसको करने के बाद मैं यहाँ से ओके कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैंने बैकग्राउंड का भी कलर मैंने चेंज कर दिया है। ये होने के बाद सारे लेयर्स को हम जो है फिर से बंद करेंगे और सबको सेलेक्ट कर लेंगे और प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट ई। ठीक है, उसके बाद फिर हम इसका नेम चेंज करेंगे कलर ग्रेडिंग, उसके बाद फिर हम तुरंत ही इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे। फिर हम कैमरा रॉ अपना ओपन करेंगे और यहाँ पे हम इसकी कलर थोड़ा सा चेंज करेंगे, इन्हेंस करेंगे। और हम जो कंट्रास्ट है यहाँ पे कंट्रास्ट थोड़ा सा और इंक्रीज करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 10। और ये होने के बाद फिर हम आएंगे शैडो पे, शैडो को हम -20 रखेंगे वैल्यू जो पुट करेंगे, -20 रखेंगे हम इसको। देन उसके बाद जो हमारा वाइब्रेंस वैल्यू है हम उसको इंक्रीज करेंगे, हम इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं 5, ये 5। और हमारा जो सेचुरेशन वैल्यू है इसको भी 5 कर लेंगे। ये होने के बाद हम इसको ओके करेंगे। तो जूम करके मैं आपको इमेज दिखा देता हूँ कि आपकी जो फ़ोटो है कुछ इस तरीके से दिखेगी, बहुत ही कूल दिख रही है। तो जो इफ़ेक्ट है, जो फाइल है, उसका लिंक मैंने जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहाँ से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।